Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to testbook.com. So this is the time to discuss the financial samachar. Financial samachar ke important events ke upar hum log baat karenge. Yes guys, start karte hamare aaj ke lecture ko, start karte hamare aaj ke session ko. To exactly kuch important news hamare samne, so unko hum log discuss karne wale. By the way, session एक रात पहले रिकॉर्ड होता है, तो कुछ जो न्यूज रहेगी थोड़ी सी ओल्ड एंगल में होती है, बट न्यूज कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस एंगल में हम लोग कवर करेंगे. तो पहले न्यूज को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आपके सामने दोस्तों 12+2 मंथ्स का टेस्ट बुक पास आपके लिए अवेलेबल है, जो 299 में आपके सामने आएगा. यहाँ पे 3 मंथ्स का गाना सब्सक्रिप्शन भी आपके पास है. मकर संक्रांत का स्पेशल ऑफर है, इसको मिस मत कीजिएगा. चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूज के साथ. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको अभी 5 साल कंप्लीट हुए. 2016 में मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ऑब्वियसली नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉप इंश्योरेंस की यहाँ पे बात की जाती है. तो जो भी बारिश, अब जो भी नेचुरल कैलामिटीज आएगी, उससे इंश्योरेंस को उससे क्रॉप को इंश्योर्ड करने के लिए ये योजना हमने 2016 में क्रिएट की थी. नाउ काइंड ऑफ अ वेरी फेमस स्कीम, काफी बढ़िया स्कीम है, जहां पे जो क्रॉप के बर्बाद होने का जो बर्डन होता था, उस बर्डन को कम करने के लिए इस स्कीम को क्रिएट किया गया. फोकस ये था वन नेशन वन स्कीम, इस एंगल में स्कीम को क्रिएट करना था. इसके लिए इसके पहले जितनी स्कीम्स थी, फॉर एग्जाम्पल नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इन सबको, इन सारे स्कीम्स को मर्ज करके इसको लॉन्च किया गया. बट ऐसा नहीं कि ये इंडिया की पहली स्कीम है. आपने ऑलरेडी देखा हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास स्कीम्स थी, पर स्कीम्स थोड़ी सी बिखरी हुई थी. इनको मर्ज करके इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. नाउ यहाँ पे सीन क्या है, देखिए प्रीमियम की बात करें, 2% प्रीमियम खरीफ क्रॉप के ऊपर, 1.5% प्रीमियम रबी क्रॉप के ऊपर. अगर कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो 5% प्रीमियम ओनली फार्मर को पे करना पड़ेगा. बाकी सारा जो पैसा है प्रीमियम का, ये गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाएगा. चाहे कोई भी है, कमर्शियल क्रॉप से, रबी क्रॉप से, आपका खरीफ क्रॉप से, फॉर एवरी क्रॉप दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी डन. सो प्रॉपर सर्वे किए जाएंगे. सर्वेस के अंदर ड्रोन्स यूज करने की बात भी गवर्नमेंट ने की थी, पर उसका इतना यूज किया नहीं गया. नाउ दोस हु डिंट टेक एनी लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, के कोई फार्मिंग का लोन नहीं लिया होगा या केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया होगा, तो उनके लिए ऑप्शनल है. पर जो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फार्मिंग लोन की फैसिलिटीज को अवेल करते हैं या केसीसी लेते हैं, उनके लिए ये कंपलसरी है. उनको ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेना कंपलसरी रहेगा और इस तरीके से वर्क करता है. नाउ यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइप किए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने टाइप किए इनको एडमिनिस्टर करने के लिए. तो मिनिस्ट्री तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है उनके साथ टाइप किए गए और इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है. याद रखना ये पॉइंट काफी क्रूशियल है. इफ द फार्मर इज यूटिलाइजिंग सच काइंड ऑफ सिनारियो, देन फिर यहां पे उनको यूज करना पड़ेगा. कुछ स्टेट्स ने इस योजना को बंद करके अपनी खुद की योजनाएं चला के रखी है. फॉर एग्जाम्पल हम झारखंड की बात करते, दे डिडंट लाइक दिस स्कीम बिकॉज यहां पे थोड़ा बहुत कंपल्शन आ रहा है कि यहां पे रिटर्न्स जैसे मिलने चाहिए, उसके हिसाब से मिल भी नहीं रहे. के दूसरा कुछ स्टेट्स है जिन्होंने इस योजना के ऊपर जाके अपनी खुद की योजना बनाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब की बात करते, दे क्रिएटेड दिस स्कीम जहां पे भी सबको कंपल्शन नहीं है, जिसको लेना है वो स्कीम का फायदा ले सकता है, या जितना प्रीमियम उन लोगों ने दिया तो वो ईयर एंड के वापस भी मिल जाता है. पर इस स्कीम के अंदर ऐसी फैसिलिटीज नहीं है के, बट स्टिल इट इज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसको 5 साल हुए, तो ऑब्वियसली यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछना भी थोड़ा जायज बन जाता है. ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ ये आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में सुना होगा, पर फिर भी इसको एक बार गो थ्रू करते. लास्ट टाइम हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर के अंदर भी इसके ऊपर बात की थी. नाउ खादी प्राकृतिक पेंट की हम लोग बात करते हैं, वैदिक पेंट. नाउ केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, उनके अंडर एक कंपनी आती है, उस कंपनी के थ्रू ये पेंट क्रिएट किया गया. 12th of January को हमारे एमएसएमई मिनिस्टर, बिकॉज केवीआईसी एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जहां पे गडकरी साहब हमारे मिनिस्टर है, तो इन्होंने इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट नाम से इसको लॉन्च किया. एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, काउ डंग से इस पेंट को क्रिएट किया गया है.
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से प्रॉपर इसको परमिशन दी गई कि डिस्टेम्पर या प्लास्टिक इमल्शन पेंट इस कैटेगरी में इसको लाया गया। नॉर्मली इसी कैटेगरी में पेंट चलते हैं। इस पेंट की खासियत है कि कोई ओडर नहीं है, ओडर फ्री है और कोई उसके एलर्जिक भी रिएक्शंस नहीं है। हेवी मेटल्स भी यहाँ पे यूज नहीं किए गए। तो यहाँ पे कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर जो केवीआईसी का यूनिट है, केवीआईसी के अंडर आता है, इस यूनिट के अंदर इसको क्रिएट किया गया। तो केवीआईसी के चेयरमैन ने इसको कंसेप्चुलाइज किया था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं काउडंग का यूज करके, और जयपुर के अंदर जो उनकी पेपर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे ये पेंट क्रिएट किया गया है। सबसे बेटर बेनिफिट इसका यह है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑर्डरलेस है, इसके जितने इंग्रेडिएंट्स है उसमें कोई भी मेटल यूज नहीं किया गया। तो जो ड्रॉबैक्स होते हैं नॉर्मल पेंट्स के जहां पे हेवी मेटल्स यूज करते हैं, वो हेवी मेटल्स यहां पे नहीं है। दूसरा, काउडंग इज अ रॉ मटेरियल, तो फार्मर्स को काफी बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा अप्रोक्सीमेशन है कि 30,000 पर एनम पर एनिमल ये फार्मर को इसमें पैसा मिल सकता है। तो पर एनिमल आप जो भी काउडंग होता है वो इनको बेचिए के, तो आपको पर एनम 30,000 रुपीज के आसपास का एडिशनल इनकम पर एनिमल ये फार्मर को यहां पे मिल सकता है। That is really very important. तो यहाँ पे obviously job creations भी काफी होंगे और farmer का जो income हमें double करना है, doubling the income of farmer, उसके लिए भी काफी फायदा होगा। और plus kind of वैदिक पेंट जिसको नाम भी उस तरीके से दिया गया है वो भी हम अपने घरों में यूज कर सकते हैं। ये भी एक पॉइंट आता है ना, केवीआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनके अंडर इसको लॉन्च किया गया। Now, सबसे बड़ी न्यूज, मंथ ऑफ डिसंबर की अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो सडनली ड्रॉप हो गया, 4.6% पे आ गया है। Now, पहले 6% से ज्यादा था कि नॉर्मली हमारी रेंज नॉर्मली हमारी रेंज होती है 4% प्लस माइनस 2% की, मीन 2% से लेके 6% शुड बी द इन्फ्लेशन। 6% से काफी ऊपर था, दैट वॉज अ टेंशन फॉर द आरबीआई की इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। सडनली डिसंबर मंथ की बात करते हैं, इन्फ्लेशन काफी नीचे आ गया 4.6% पे। अब इन्फ्लेशन नीचे आने का मेन रीजन है कि जो हमारा फूड है या एग्रीकल्चरल इन्फ्लेशन जिसको हम लोग कहते हैं वो सडनली डाउन हो गया, या फूड इन्फ्लेशन सडनली डाउन हो गया, वो 3% पे गया। अगर वो सडनली ड्रॉप होता है तो ऑटोमेटिकली उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट हमारे ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर होगा। चलो इन्फ्लेशन तो कम हो गया, पर एट द सेम टाइम जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये भी काफी डाउन हो गया। अब उन सबके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी इस आगे वाले स्लाइड्स के अंदर। देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन एंड द फैक्ट्री आउटपुट, इन दोनों के फिगर्स हमारे सामने आए और ये दोनों के फिगर्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इसके तरफ से दिए गए। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज टू 4.59 फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर, जबकि मंथ ऑफ नवंबर में इट वाज 6.93, मींस ऑलमोस्ट 7% था, सडनली ड्रॉप हो गया। अब ये ड्रॉप क्यों हुआ इसके पीछे भी हम लोग रीजंस देखेंगे। नाउ वी ऑलरेडी नो कि दैट इट शुड बी बिटवीन 4% टू प्लस माइनस 2%, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एंड आरबीआई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट टू मेंटेन इट। सो एवरी बाय मंथली पॉलिसी में अकोमोडेटिव स्टैंड रख के आरबीआई बैठी हुई थी कि भाई हमें कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, चेंजेस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो लॉकडाउन में काफी बड़ी दिक्कत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को गई थी। नाउ अभी ये ड्रॉप होने का रीजन क्या, मैंने कहा था फूड बास्केट जो जिसको हम लोग काउंट करते सडनली 3.41 पे आ गया, जबकि वो मंथ ऑफ नवंबर में 9.50 था। तो यू कैन सी फूड इन्फ्लेशन कितना सडन ड्रॉप हो गया। अब रीजन क्या था इतना बड़ा बढ़ने का, कि यहाँ पे सप्लाई प्रॉपरली नहीं था, लॉकडाउन था, सप्लाई प्रॉपरली हो नहीं रहा था। कब लॉकडाउन लगे कि भी एक टाइम फ्रेम में आपको सब्जी खरीदनी पड़ेगी, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे। अभी सडनली मार्केट ओपन हो गया, सप्लाई काफी स्ट्रीमलाइन हो गया, तो अभी सप्लाई स्ट्रीमलाइन होने से सडनली इन्फ्लेशन 3.41 पे आ गया, एंड दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन रिड्यूस होने के लिए हेल्प हुई। नाउ शायद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफी राहत की सांस ली होगी, दे मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी दैट यस, अकोमोडेटिव स्टैंड लेने का फायदा काफी हुआ। बिकॉज ये कभी ना कभी जैसे सप्लाई नॉर्मल होता है, कभी ना कभी ड्रॉप होना ही था, बिकॉज जो हमारे पास फिगर्स आ रहे थे वो शॉर्ट टर्म या टेम्पररी फिगर्स थे, एंड नाउ आरबीआई मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट नियर 4%, नाउ दे जस्ट हैव टू मैनेज सम स्टफ। तो जो अभी आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें आरबीआई क्या स्टैंड लेता है उसके ऊपर हमारा ध्यान बहुत क्लोजली रहेगा। अब आते हैं फैक्ट्री आउटपुट के ऊपर, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहां पे एक टेंशन वाली बात आ गई है, बिकॉज ये 1.9% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मंथ ऑफ नवंबर के लिए। दिसंबर के फिगर्स फिलहाल नहीं है, नवंबर के फिगर्स है, तो नवंबर में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मींस देयर इज सम कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे कुछ चीजें कम हुई है। देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सो फार फिजिकल ईयर 2021 इज -15.5% ओवरऑल अगर बात की जाए, बिकॉज ऑब्वियसली बाकी सारे मंथ में तो कम ही था, बट बीच में इंक्रीज हुआ था मंथ ऑफ अक्टूबर, इट वॉज गुड, बट सडनली नवंबर में कम आ गया। नीचे आने का रीजन है माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहां पे काफी लेस हुआ है। देखिए, माइनिंग सेक्टर -7.3 नवंबर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
-1.7। और मैन्युफैक्चरिंग में कमी क्यों हुई? बिकॉज नवंबर मंथ के टाइम पे सडनली केसेस काफी बढ़ गई थी, कुछ जगहों पे फैक्ट्रीज को क्लोज करना पड़ा था, काम चल रहा था पर सडनली उनको अपने फैक्ट्रीज के यूनिट बंद करने पड़े बिकॉज केसेस बढ़ गई थी, या बिकॉज ऑफ ऑल दोज रीजंस सडनली ये कम हुआ। माइनिंग सेक्टर के अंदर भी सेम प्रॉब्लम हुई थी एंड दैट इज द मेन रीजन। इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करें 3.5% से ग्रो हुआ है के सो यहां पे कुछ ग्रोथ दिखाई पड़ी हुई है। बट अगर हम बात करें कि माइनिंग और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग यहां पे थोड़े ट्रबल्स हमें फेस करने पड़े इसलिए ओवरऑल चीजें कम हो गई। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, नॉर्मली ये लोग इसको कैलकुलेट करते कि रिटेल के ऊपर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। इसके कुछ सब ग्रुप्स है, 5 सब ग्रुप्स हमारे पास है सीपीआई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। सीपीआई की खासियत यह है कि सीपीआई के अंदर हम लोग गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखिए फूड मेडिसिन एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, बट डब्ल्यूपीआई के अंदर केवल गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है इसलिए सीपीआई आपको काफी अच्छा पिक्चर दिखाएगा। मैंने कहा था इसके अंदर सब ग्रुप्स है, टोटल 5 सब ग्रुप्स है, उस 5 में से 3 काफी इंपॉर्टेंट है, एक सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड सीपीआई फॉर रूरल लेबर, जिससे हमें एक्चुअली उस सेक्शन में क्या सिनारियो है यह हमें पता चलता है। तो डियरेंस अलाउंस कितना देना है, अनस्किल्ड लेबर का सिनारियो क्या है, ये सारी चीजें यहां पे हमें पता चलती है। इसके अलावा हमारे पास और दो है कि अर्बन एंड रूरल जिसको हम लोग कहते हैं सीपीआई अर्बन के सीपीआई रूरल, वो भी हमारे पास है जिसको हम लोग यूज नॉर्मली नॉर्मल बेसिस पे करते हैं अर्बन एंड रूरल के, जो अदर दो टाइप हमारे पास है और इनको हम कंबाइन करके एक डेटा हमारे पास आता है, उस डेटा को हम लोग पूरे देश के लिए यूज करते हैं। तो कंबाइंड विच कंबाइंड द अर्बन एज वेल एज रूरल डेटा, उनको हम मर्ज करेंगे और उसको कंबाइन करके कंपाइल करके हमारे सामने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूरा डेटा लेके आते हैं। देखिए द कंबाइंड राइज इन द रिटेल प्राइस कैप्चर्ड बाय द सीपीआई कंबाइंड, तो मैंने कहा था दोनों को कंबाइन कर दीजिए आपके सामने प्रॉपर डेटा हमारा आ जाएगा। तो यहां पे एक पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, देखिए लेबर ब्यूरो के लेबर ब्यूरो जो है ये नॉर्मली हमारे सामने डेटा रखती है सीपीआई आईडब्ल्यू वाला इंडस्ट्रियल लेबर का, पर जो सीपीआई अर्बन और रूरल है के इसका डेटा जो है हमारे पास आएगा एनएसओ के ऑफिस से, ये हमें प्रोवाइड करेगी। और तो इसका मतलब कंबाइंड डेटा भी यही ऑफिस प्रोवाइड करती है, पर आईडब्ल्यू की या फिर लेबर्स की जब बात करेंगे तो लेबर ब्यूरो से ये डेटा हमारे पास आता है। तो 5 सब ग्रुप है, 5 में से 3 है जो लेबर ग्रुप प्रोवाइड करेगी, 2 है जो आपको नेशनल एनएसओ प्रोवाइड करेगी और उस दोनों को हम कंबाइन करके हमारे पास कंबाइंड डेटा आता है जो पूरे देश के लिए हम लोग यूज करते हैं। आईआईपी सबको पता है, आईआईपी से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इंडिया में प्रोडक्शन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, प्रोडक्शन का एग्जैक्टली सिनारियो क्या है के, सो ऑल दोस थिंग्स विल बी इन फ्रंट ऑफ अस, ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाएगी, दैट इज ए इंपॉर्टेंट सिनारियो। नाउ यहाँ पे एनएसओ, ये भी डेटा हमारे सामने एनएसओ ही लेके आने वाली है, पर यहाँ पे कुछ चीजें देखिए, कोर इंडस्ट्री आपको ऑलरेडी बताया मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस भी किया कि 8 कोर इंडस्ट्रीज हमारे पास होती है जिनका एक्चुअल डेटा हमारे सामने आएगा कि उनका वेटेज है, डिफरेंट डिफरेंट वेटेज का परसेंटेज आपके सामने लिखा हुआ है। अब इतना डिटेल में नहीं देखा तो भी चलेगा, बस एक पॉइंट याद रखना, ज्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का होता है और बाद में इलेक्ट्रिसिटी का होता है, दैट इज द ओनली सिनारियो। बेस ईयर सबको पता है 11-12 ही बेस ईयर हम लोग फॉलो करते हैं कि नो ब्रॉड सेक्टर्स की बात करें और यहाँ पे यूज बेस्ड सेक्टर एक कंसेप्ट है। ब्रॉड सेक्टर का मतलब है जिनका रीच थोड़ा ज्यादा है, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी इसका रीच ज्यादा है कि इसके ऊपर काफी चीजें डिपेंडेंट है। और यूज बेस की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स इनको हम लोग यूज बेस में लाते हैं, तो इस तरीके से इसके अंदर कुछ सब क्लासिफिकेशंस भी है, पर इतना डिटेल आपको हर एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर गिविंग द आरबीआई ग्रेड बी और द सेबी ग्रेड एग्जाम्स तो बस इन चीजों की तरफ ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इनफ रहेगा। तो हमने करंट सिनारियो देखा और प्लस उसका बेस कवर करने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। जैसे मैंने कहा कि आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये -1.9 मीन्स श्रिंक हुआ है, श्रिंक हुआ मीन्स यहाँ पे कुछ निगेटिविटी आई हुई है। लेट्स होप कि मंथ ऑफ डिसंबर विल शो द अगेन द पॉजिटिव स्टफ, क्योंकि नवंबर में वो चीज चल रही थी, अभी दिसंबर में लोगों ने इतना दिल पे लिया नहीं और ऊपर से वैक्सीन की भी पॉजिटिव न्यूज थी, तो शायद मंथ ऑफ दिसंबर विल गिव यू अ वेरी गुड साइन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दी जो 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट होगी। सो 21-26 ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है और इस पॉलिसी का मेन गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 2024-25 तक हमें हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक लेके जाना है, इस एम के साथ ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दी गई है। लास्ट पॉलिसी 2020 में ही खत्म हुई और 2020 कैसे खत्म हुआ ये भी आपको पता है, तो इसलिए न्यू पॉलिसी बहुत मैटर करती है। देखिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स आर टू प्ले द मेजर रोल, नाउ डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब क्रिएट करने की बात इस नए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर की गई है, पूरा फोकस रहेगा कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, वैसे
हर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का यही एम होता है, पर यहां पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब ये पॉइंट क्रिएट करने की बात की है, ईज ऑफ डूइंग जिसको सपोर्ट करेंगे एनआईएमजेड या फिर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है के इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम लोग कहते हैं उनको काफी प्रमोट करने की बात की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर दोनों को यहां पे एक साथ ट्रीट करेंगे, एक तरीके से ट्रीट करेंगे। पहले जो पुराने पॉलिसीज में अलग अलग योजनाएं होती थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग सर्विस के लिए अलग, इनको मर्ज करके सेम पॉलिसी के भरोसे हम लोग वर्क करेंगे। देखिए इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश, यूके, यूएसए, भूटान, यूएई, ये मेजर ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया के हैं, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों एंगल में। अगर बात करें बिगेस्ट एक्सपोर्ट राइट नाउ इंडिया का फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जा रहा है के, और इसमें और ग्रोथ होने के अनुमान है, होप्स है, एंड दैट्स व्हाई पूरा फोकस यही पे रहेगा। अब आप कोविड 19 के टाइम पे आपको अच्छे से रियलाइज हो ही गया होगा कि नाउ इंडिया वॉन्ट्स टू क्रिएट द 5 trillion इकोनॉमी बाय 2024-25, दिस इज द फोकस ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पहले मोदी साहब ने भी इसके ऊपर बात की थी। नाउ कंस्टेंट्स क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्लो डाउन इन एग्रीकल्चर, फंडिंग इश्यूज, स्लो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एक्सपोर्ट इश्यूज, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। एक्सपोर्ट इश्यूज क्या है? देखिए अभी भी एक्सपोर्ट की पॉलिसी जो क्लियर होनी चाहिए वो क्लियर नहीं है कि अब नई जो पॉलिसी आ रही है WTO एफिलिएटेड पॉलिसी है जिसमें हम सारे इंडस्ट्री को एक तरीके से ट्रीट करेंगे, तो शायद इट इज गोइंग टू हेल्प अस। नाउ स्लो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यस के इकोनॉमिक कॉरिडोर काफी साल से बन रहे, जितने फास्ट वो बनेंगे, जितना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स बनेगा उतना हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो आपने बहुत बार मल्टी लॉजिस्टिक्स हब्स की बात देखी होगी, आसाम के अंदर, यूपी के अंदर, अभी नोएडा के अंदर की बात की थी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अंदर, जितने फास्ट तरीके से बनेंगे उतना बेटर रहेगा। फंडिंग इश्यूज, यस, इन्वेस्टमेंट्स, देयर इज अ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया स्पेशली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड हमने बना के रखा है। इवन फॉरेन कंट्री से भी काफी इन्वेस्टमेंट गैदर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। एग्रीकल्चर का स्लो डाउन, यस, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनता है बिकॉज एग्रीकल्चर एनीवेज विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट बेस, काफी इंपॉर्टेंट बेस रहेगा काफी चीजों के लिए, काफी चीजों के एक्सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज यहां पे सारी चीजें आती है, इवन एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो यहां पे भी हमें वर्क करना पड़ेगा बिकॉज केवल एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का नहीं होता, एग्रीकल्चर का भी उतना ही होता है, तो यहां पे भी वर्क करना पड़ेगा। एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये इंडिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स, सो यहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला कंसेप्ट भी काफी बड़ा इंडिया के अंदर होता है। देखिए 2015 से 2020 की हमारी पॉलिसी थी मेक इन इंडिया, ये हमारा फोकस था। यहां पे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ऐसी अलग अलग स्कीम्स बना के रखी थी। अब इन सबको हमने मर्ज कर दिया है एंड वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन स्कीम, वन ट्रेड पॉलिसी जो 26 तक चलने वाली है, और ये हमारा एम रहेगा। लास्ट न्यूज के ऊपर आते हैं, टेस्ला इज फाइनली नाउ इन इंडिया। लास्ट टाइम कहा था बेंगलुरु के अंदर ऑफिस ओपन करेंगे, फाइनली दे रजिस्टर्ड देयर कंपनी इनटू इंडिया, बेंगलुरु के अंदर तीन डायरेक्टर्स भी बिठा के रखे, सो विच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज टेस्ला नाउ इलॉन मस्क, एवरीवन नोज, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन राइट नाउ इन द वर्ल्ड, एंड ही ऑब्वियसली वॉन्ट टू क्रिएट द व्हीकल। सो ई व्हीकल्स, जो टेस्ला की ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इनका बहुत जल्दी सेल और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर स्टार्ट होगा। सो होपफुल कि इसी साल के एंड तक ये इंडिया पे वर्क करना शुरू कर दे, बिकॉज कंपनी एस्टैब्लिश कर दी, तीन डायरेक्टर्स को बिठा दिया, सो एवरीथिंग इज स्टार्टेड वर्किंग। सो जिस स्पीड से वो लोग काम कर रहे हैं, सो वी आर होपिंग इट विल कम वेरी सून इंडिया, इट विल स्टार्ट वर्किंग वेरी सून इंडिया। सो बाय होपिंग दैट ऑन द एंड एंडिंग ऑन दिस गुड न्यूज के, होप करते हैं कि जल्दी से सब कुछ सही हो जाए और इकोनॉमी वापस अपने पैरों पे खड़ी हो विद बैंग ऑन परफॉर्मेंस, बिकॉज GDP भी बनना बहुत जरूरी है, उससे के बाद हमारी डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो पाएगी। तो इसी होप के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे बंद करते हैं, क्लोज करते अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने और बाकी भी दोस्तों को बताइए, ताकि हम अभी फिलहाल तो हम रिकॉर्डिंग मैनर में जाएंगे, जैसे ही बाद में टाइम मिलता है तो बहुत जल्दी हम वापस लाइव सेशंस के अंदर आएंगे, जहां पे और डिस्कशन करने के लिए मजा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।